बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़हीर महमूद। हाँ जी, हम अपनी फार्माकोलॉजी को यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, और जो मेरे पास बुक है वो है जी लिपन कोट। इसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 ड्रग अफेक्टिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS आ जाता है, और चैप्टर नंबर 4 है, तो इसका नेम है जी कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक एगोनिस्ट, उसमें आ जाता है उसके इसी का नाम है कोलिनर्जिक सिस्टम, और इसी को न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसमें पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसको बुक से रीड आउट करेंगे, ताकि हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें ये होता है कि ओवरव्यू में आ जाता है ड्रग एक्टिंग ऑन द ANS, उसमें 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है कोलिनर्जिक ड्रग आ जाती है और एडिनर्जिक ड्रग आ जाती है। तो इसमें ये देखें, उसके बाद इसमें हम बात करेंगे जी एसिटाइलकोलीन और NE जो कि नॉर एपिनेफ्रीन या फिर एड्रेनालिन, इसकी बात करेंगे। तो इसको देख लेंगे ये कहाँ से रिलीज होगी, बाय डायग्राम से हम इसको देखेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा जो रिसेप्टर का हम इनके वर्ड बार बार यूज होगा उसको मैं आपको बताऊंगा कि रिसेप्टर क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो मेन टॉपिक होगा वो होगा जी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स या सिस्टम, इसको हम जो है ना फोकस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा कि सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलीन को देखेंगे कि एसिटाइलकोलीन कहाँ से बनती है इसको देखेंगे, और जो इसके ये एसिटाइलकोलीन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो वर्क करती है, तो इसको देखेंगे कितने स्टेप होते हैं और ये किस तरह वर्क करती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इसको बुक से रीड आउट करेंगे, तो चले हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है जी इसकी, ये हम लिखते हैं इसको जी कोलिनर्जिक आ जाता है। इसमें हमारे पास है जी कोलिनर्जिक सिस्टम, इसी को हम कहते हैं जी कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम या एंड इसी को कहते हैं कोलिनोमायोमेटिक क्लिनोमायोमेटिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के हमारे पास ये ड्रग मतलब के नेम से इसी को ड्रग कहते हैं, सॉरी इसी को ड्रग कहते हैं। ठीक होगा जी। ये ड्रग है ये, अब क्लिनो का मतलब क्या है, क्लिनो का मतलब कोलीन है। ठीक होगा। मायोमेटिक जो कि मीन उसी के तरह वो सेम काम करे उसे ड्रग की तरह। ठीक होगा। इसमें ये मायोमेटिक, ठीक होगा, एगोनिस्ट ड्रग। तो इसमें हमारे पास ये है, अब कोली जो आ जाता है वो इसमें आ जाता है एसिटाइलकोलीन। ठीक हो गया। ये है या फिर नोर एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास ये जो होगा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन ANS। अब हमारे पास जो ड्रग्स एक्टिंग करते हैं, इसमें हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी नंबर 1 पे आ जाता है कोलिनर्जिक ड्रग आ जाती है। ठीक हो गया। कोलिनर्जिक ड्रग, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो ड्रग है क्या करती है, ये एक्ट करती है एक्ट ऑन रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय ACH। अब जहां पे भी मैं ACH लिखूंगा इसका मतलब होगा एसिटाइलकोलीन। क्या मतलब होगा इसका? एसिटाइलकोलीन। उसके बाद हमारे पास आ जाता जी सेकंड टाइप इसकी, जो मैंने आपको बतानी वो है जी एड्रेनर्जिक ड्रग। अब ये जो ड्रग है इसमें क्या सीन है कि ये हमारे पास क्या है जी एक्ट ऑन रिसेप्टर के ऊपर ये इसने क्या करना है, एक्ट करना है, और इसको क्या करेगी, स्टिमुलेटेड या फिर एक्टिवेटेड बाय NE। अब जहां पे मैं NE लिखूंगा इसका मतलब होगा नॉर एपिनेफ्रीन, या फिर इसी को हम कहते हैं NA, नॉन एड्रीनालिन। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों टाइप्स होंगी, कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रेनर्जिक ड्रग, ये जो होगी हमारे पास ये क्या करेगी, इन दोनों ने एक्ट करना होता है, या तो ये दोनों स्टिमुलेट करेंगी और या फिर क्या करेंगी,
ब्लॉक करेंगी, क्या करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये, फर्ज करें ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ तो ये जो ड्रग्स होंगी कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी या एड्रेनर्जिक ड्रग होंगी, ये इसको क्या करेंगी, या इसको स्टिमुलेट करेंगी, या इसको क्या चले, या इसको क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, और या फिर इसको क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी, ठीक होगा, ये बहुत ड्रग्स जो होंगी। तो इसमें ये था, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसकी अगर साइट की बात करते हैं, तो साइट में हमारे पास क्या है जी, साइट ऑफ रिलीज। इसको अगर इसकी देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो मेन न्यूट्रिशन, इसके बाद हमने ये मतलब कि एसिटाइलकोलीन, उसके बाद हमारे पास नोर एपिनेफ्रिन, ये हमारे पास क्या है कि न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये टू मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है, इनकी देख लेते हैं ये हमारे पास कहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, टू मेन न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, टू मेन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक होगा। इसमें हमारे पास आ जाता है जी ए सी एच, और उसके बाद कौन सा जी एन ई या फिर एन ए, ये मैंने आपको बताया। इसमें हमारे पास होता क्या, ये मैं आपको बाय डायग्राम बताता हूँ कि इसमें क्या है जी, कि डायग्राम में अब किस जगह पे एसिटाइलकोलीन रिलीज होगी, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलकोलीन मतलब रिलीज होगी, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे नोर एपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलीन दोनों इकट्ठी रिलीज होंगी, ये हम देख लेते हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो एक रिसेप्टर, रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे मतलब कि ये सेल है यहाँ की, या तो इसकी सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे या फिर सेल के अंदर पाए जाएंगे। इनका फंक्शन क्या है, इनका और कुछ फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सिग्नल्स होते हैं इनको मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और जो रिसेप्टर अनऑक्यूपाइड कंडीशन में होंगे ये इनकी तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, और ठीक हो गया जी। और ऐसी ड्रग्स जो कि अनऑक्यूपाइड कंडीशन में, इनके जो कि ऐसी ड्रग्स होंगी जो हमारे पास अनऑक्यूपाइड कंडीशन में और ये मूव करें रिसेप्टर्स के साथ, तो यहाँ पे आके इन्होंने क्या करना होता है कि ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये साथ ही फिर हमारे पास क्या करेंगे, तब जाके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि रिसेप्टर्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मीन के रिसेप्टर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस या फिर इनसाइड द सेल, ठीक हो गया जी। इन्होंने क्या करना होता है कि सिग्नल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक हो गया। ये अनऑक्यूपाइड कंडीशन में हमारे पास क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया जी। अनऑक्यूपाइड फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं कि इनएक्टिव, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास इसको हम देख लेते हैं कि अब ये जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि एसिटाइलकोलीन नॉन एपिनेफ्रीन जो है हमारे पास कैसे ये मतलब इनकी ये रिलीज होते हैं, ये इनको अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास कैसे बनता है कि ये ब्रेन होगा, इसमें ब्रेन होगा प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। क्या होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। ये अब ये क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें जी, ये हमारे पास है जी ब्रेन, क्या हमारे पास ब्रेन, एज ए ब्रेन इसको कंसीडर। अब ये हमारे पास क्या है जी, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, क्या हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ ये इसको हमने बताया कि ब्रेन है, मतलब कि ये होगा हमारे पास जी यहाँ पे जी मेडुला, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, स्पाइनल कॉर्ड, इसको मैंने क्या बोला कि स्पाइनल कॉर्ड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारे पास होगा ये, यहाँ पे क्या है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक। यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइलकोलीन रिलीज होगा, ठीक है। अब एसिटाइलकोलीन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलकोलीन, ठीक हो गया जी यहाँ पे। उसके बाद इसको मैं रेड पेंसिल से शो करता हूँ। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास क्या जी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या जी, ये थी प्री और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या जी, साइनेप्स, ये हमारे पास क्या है, साइनेप्स, ठीक हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे भी एसिटाइलकोलीन रिलीज होगी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जी, इसको हम कह देंगे कि पैरासिम्पैथेटिक
नर्वस सिस्टम ठीक हो गया। इसका मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या हुई जी कि पैरी हमारे पास क्या है पैरी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ठीक है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन क्या हुआ रिलीज और इसके बाद यहाँ पे ये जी एसिटाइलकोलिन। अब ये जो होता है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि नर्व जो है ना आपस में कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि नर्व्स आपस में कनेक्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे टच नहीं होती। यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे ये साइनेप्स है ठीक हो गया जी। इन्होंने क्या करना होता है यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन या तो रिलीज होगी या फिर क्या होगी यहाँ पे एक्सेप्ट होगी या फिर इसको क्या करेगी कैप्चर करेगी इसको एक्सेप्ट करेगी ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे जी ये हमारे पास क्या जी पोस्टसाइनेप्टिक इसको मतलब कि पोस्ट गैंग्लियोनिक भी कहते हैं ठीक हो गया। यहाँ पे पैरासिम्पेटेटिक नर्वस सिस्टम ये क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे रिलीज होगी जी ये होगा एसिटाइलकोलिन ठीक हो गया जी। ये पैरी है पैरी साइनेप्टिक उसके यहाँ पे क्या होगा ये साइनेप्स। उसके बाद रेड पेंसिल से मैं शो कर देता हूँ आपको यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी एन ए एन ए से मैंने आपको बताया कि नॉन एड्रेनालिन या फिर एन ई से क्या मतलब बनता है नॉर एपिनेफ्रीन ठीक हो गया। अब ये क्या बनाएगा जी हमारे पास सिंपथेटिक क्या होगा सिंपथेटिक सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं ठीक है। तो इसमें ये ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसमें एक ऐसे पॉइंट आएगा जहां पे हमारे पास ये एसिटाइलकोलिन हो गया और फिर हमारे पास क्या रिलीज होगा जी फिर हमारे पास सेकंड में भी एसिटाइलकोलिन ए सी एच ठीक हो गया जी एसिटाइलकोलिन। ये पैरी है और ये क्या जी पोस्ट है और ये हमारे पास क्या साइनेप्सिस है। और ये अब इसके साथ यहाँ पे जो होगा ना इसके साथ अटैच होगा हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स क्या होंगी स्वेट ग्लैंड्स ठीक हो गया जी। अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स है ये भी हमारे पास जो है ये पार्ट होती है किसका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास आ जाता है जी इसमें एड्रेना मेडुला की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन क्या होता है एसिटाइलकोलिन ठीक हो गया। अब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे ये ज्वाइन करेगा हमारे साथ जी एड्रेनल मेडुला एड्रेना मेडुला ठीक हो गया इसमें ये। उसके बाद क्या होगा हमारे पास सिर्फ सोमेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ये अटैच होगा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन होगी ठीक है। यहाँ पे ये जी स्केलेटल मसल के लिए किसके लिए स्केलेटल मसल के लिए यहाँ पे साथ में क्या ज्वाइन करेगा हमारे पास होगा सोमेटिक मतलब कि इनवॉलंटरी सोमेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है इनवॉलंटरी। अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ये हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा इसको ठीक हो गया जी। इसमें ये अब यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन नॉन एपिनेफ्रिन जो होती है हमारे पास ब्रेन और यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड के ये आपने सारा देख लिया कहाँ से कौन सा रिलीज होती है कहाँ पे ये दोनों कंबाइन रिलीज होती हैं ठीक हो गया जी। तो ये था हमारी एसिड साइट ऑफ रिलीज सेक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन ठीक हो। अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी जो कि था कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का भी नाम मैंने आपको दिया इस बताया था इसका और इसकी को हम कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम क्या कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम और इसी को हम कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ठीक हो गया जी। तो इसमें ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो जहाँ पे भी हम इस कोलिनर्जिक सिस्टम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे होते हैं हम बात करते हैं एसिटाइलकोलिन की। जहाँ पे भी हम कोलिनर्जिक सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन है वो कैसे मतलब को वो मतलब कि एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है ठीक हो गया। इसकी बात करते हैं उसमें हमारे पास ये होता है कि अब सेंथिसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन की बात देख लेते हैं कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन बनता कैसे ठीक हो गया जी। इसकी बात सेंथिसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन ठीक हो गया जी। एसिटाइलकोलिन कैसे बनेगा हमारे पास एक एंजाइम होता है एसिटाइल को ए क्या होगा जी एसिटाइल को ए एसिटाइल को एक ये एंजाइम है। अब यहां पे साथ इसके क्या होगी कोलीन होगी कोलीन ठीक हो गया। अब एसिटाइल को एंजाइम और ये कोलीन आपस में मिली तो क्या बन गया एसिटाइल कोलीन
ठीक हो गया। एसिटाइलकोलीन क्या है, हमारे पास ये एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है और ये हमारे पास न्यूरॉन्स से कैसे जाते हैं, यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होंगे, कैरियर मीडिएटर्स, और जिनके थ्रू वो हमारे पास क्या न्यूरॉन्स में जाते हैं और अपना एज ए फंक्शन एज ए रोल प्ले करता है, ठीक है जी। उनको वहां पे वर्किंग एज ए वर्किंग, ठीक हो गया। एसिटाइलकोलीन ये आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी इसकी सेंथेसिस की। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एसिटाइल को यहाँ पे ये एक एंजाइम है, फिर कोलीन है, और ये साथ जैसे ये कंबाइन हो एसिटाइलकोलीन बनी। एसिटाइलकोलीन हमारे जितने भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में से ये दो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं मोर इंपॉर्टेंट है, जो कि एनी नोरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलीन, ये मतलब कि एज ए वर्क काम करेगी, रोल प्ले करेगी बॉडी में, मीन के वो न्यूरॉन्स के पास जाएगी, न्यूरॉन्स अपना फंक्शन शो करेंगे। यस, और ये कैसे जाएंगी न्यूरॉन्स के पास, ये हमारे पास आएंगी एज ए कैरियर मीडिएटर्स के थ्रू, ठीक होगा जी। मीडिएटर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे ये, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसमें आ जाता हमारे पास इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास स्टेप में किस तरह होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसमें अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स आ जाते हैं। कितने स्टेप्स आ जाते हैं, 6 स्टेप्स इन न्यूरो ट्रांसमीटर, मीन का अब न्यूरो ट्रांसमीटर ये कैसे मीन के रोल प्ले करता है, ठीक होगा जी। इसकी बात कर लेते हैं एसिटाइलकोलीन, एसिटाइलकोलीन कैसे, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास सेंथिसिस होगी इसकी एसिटाइलकोलीन की, जो मैंने आपको बता दिया इसमें मीन के न्यूरॉन्स में, ठीक है, न्यूरॉन्स में ये किस तरह काम करता है। उसके बाद ये स्टोरेज होगी इसकी वेसल्स में, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिलीज होगा ये, अब इसने रिलीज होना है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर एसिटाइलकोलीन वहाँ पे अपना रोल कैसे प्ले करेगी, रिलीज होगी, ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास ये बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल बाइंडिंग होगी, ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन होगी, फिर ब्रेकडाउन होगी, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद इसकी रीसाइक्लिंग होगी। ये हमारे पास 6 इसके होंगे स्टेप्स होंगे। अब मैं इसके स्टेप्स को एक साइड पे लिखता बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, ये फर्ज करें कि जी हमारे पास क्या है, एक है जी न्यूरॉन, हमारे पास ये क्या न्यूरॉन, अब ये न्यूरॉन है जी, अब यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे पास, ये कैल्शियम चैनल्स होंगे, ठीक होगा। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक नर्व ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक हो गया। ये क्या हमारे पास, ये नर्व है, ये हमारे पास क्या है जी, नर्व, ठीक हो गया। अब इसको क्या मतलब के यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा, ये हमारा क्या जी एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, क्या है ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास होती है कोलीन, क्या होती है जी, यहाँ पे हमारे पास होती है कोलीन। अब ये कोलीन जैसे ही मतलब के इसको अंदर गई, इसके न्यूरॉन के अंदर क्या हुई, यहाँ पे कोलीन आई। अब ये हमारे पास जो पार्ट होगा यहाँ पे, ये होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक होगा जी। ये साइटोप्लाज्म है, मीन कि ये पर्टिकुलर पार्ट है किसका, नर्व्स का, ठीक हो गया। कोलीन अंदर आई, इसके साथ ही हमारे पास क्या करती है कि जो सोडियम होगा इनफ्लेक्स करेगा, क्या करेगा, सोडियम इनफ्लेक्स करेगा, अंदर आएगा, ठीक हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे सोडियम आया, यहाँ बाहर से हमारे पास यहाँ से एसिटाइल को ए जो एंजाइम होगा वो आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी जी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोलीन, क्या बनी, मैंने आपको सिंथेसिस इसकी पहले बताई है कि कोलीन आई, कोलीन और एसिटाइल कोए जब मिलते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं, इसके एसिटाइल कोलीन, ठीक हो गया जी, ये आपको क्लियर हो गया। उसके यह कोलीन है, एक कोलीन इसके नर्व्स के अंदर आई, इसने क्या साथ ही सोडियम इनफ्लेक्स हुआ, यहाँ पे ये सोडियम क्या हुआ, इनफ्लेक्स, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एसिटाइल कोए एसिटाइल कोलीन बन गई, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पहला जो स्टेप है इसका क्लियर हो गया, सेंथिसिस ऑफ ए सी एच, ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। अब ये जो है हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोलीन ने क्या होना होता है, स्टोर होना है, इसने क्या होना है, स्टोर होना है, ये हमारे पास जी एसिटाइल कोलीन जो है स्टोर हो गई हमारे पास स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलीन इन वेसल्स, ये ठीक होगा जी, इन वेसल्स।
अब जैसे ही ये वेसल्स स्टोर्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास एटीपीज होंगे, एटीपीज हैं और हमारे पास को ट्रांसमीटर्स होंगे, जो कि हमारे पास ये सारे एसिटाइल कोलीन के साथ साथ मूव करते हैं, ठीक होगा। ट्रांसमीटर्स ये हमारे पास क्या है जी, ट्रांसमीटर्स, या तो ये इनहिबिट करेंगे, ये जो ट्रांसमीटर होते हैं इनका क्या काम है, या इसको इनहिबिट करेंगे या फिर इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, किसको, एसिटाइल कोलीन को, ठीक हो गया, इसका ये काम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, जो कि हमने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल में, किसमें पढ़ा था, एक्शन पोटेंशियल में, ठीक है, इसको याद रखें। इसमें हमारे पास क्या होगा, इन्होंने इन्फ्लक्स किया, जैसे ही ये आए इन्होंने इन्फ्लक्स किया, तो हमारे पास ये अजी हुए यहाँ पे आ गए एसिटाइलकोलीन। अब ये जो एसिटाइलकोलीन है, यहाँ पे आके हमारे पास स्टेप थ्री जो होगा वो इसमें इसने रिलीज होना होता है, ठीक है, फंक्शन के, एज ए फंक्शन के लिए इस यहाँ पे क्या हुई, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन, ठीक हो गया। एसिटाइल और ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, पेरीसाइनेप्टिक, ठीक है, पेरीसाइनेप्टिक, ठीक हो गए, मेम्ब्रेन होती है पेरीसाइनेप्टिक, और ये हमारे पास क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक, ये हमारे पास क्या जी, पोस्ट साइनेप्टिक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे अब क्या हुआ कि रिलीज होनी है क्या, एसिटाइल कोलीन, जैसे ही एसिटाइल कोलीन होगी यहाँ पे हमारे पास ये जो है जी बाइंडिंग हो जाएगी, ये ऐसे कर ऐसे, अब ये एसिटाइलकोलीन यहाँ पे आई, ठीक है, और ये साथ ही जाके यहाँ पे एसिटाइलकोलीन हमारे पास बाइंडिंग हो जाएगी इसके एसिटाइलकोलीन के साथ, जो रिलीज हुई यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलकोलीन रिलीज होगी, ठीक होगी एसिटाइल। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्या हुई एसिटाइलकोलीन की, ये रिसेप्टर एज ए रिसेप्टर, ये क्या जी, रिसेप्टर, एसिटाइलकोलीन एज ए रिसेप्टर, एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर्स। अब इसकी ये क्या होगी, ये इसकी बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलीन, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलीन, ठीक हो गया जी। एसिटाइल कोलीन की क्या, यहाँ पे आप इसने क्या करना का अपना एक्शन शो करना, ठीक होगा, ये हमारे पास क्या जी, आउटसाइड ड्यू टू कैरियर मीडिएटेड, ठीक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फेगोसाइटोसी, अब इसकी डिग्रेडेशन होनी है, ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, एक साइड पे हमारे पास होगी कोलीन, कोलीन यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन, एक साइड पे हमारे पास एसिटेट, क्या होगी, एसिटेट, ठीक है। अब ये जो कोलीन है ये यहाँ पे हमारे पास वापस चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप हुआ था जी फोर, ये स्टेप था थ्री, अब यहाँ पे स्टेप फाइव में हमारे पास क्या हुई, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, ठीक हो गया। डिग्रेडेशन के बाद साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुई, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, ठीक हो गया जी, इसमें रिसाइकलिंग, अब ये एसिटाइलकोलीन यहाँ पे आई, ठीक होगा, इसने रिसाइकलिंग ऑफ एसिटाइलकोलीन, ये फिर दोबारा इसी तरह सर्कल एक चलता रहेगा, ठीक हो गया। ये था हमारे पास इसका स्टेप से इसके न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर ये किस तरह वर्क करती है, ठीक है जी। अब हम इसको देख लेंगे जी बुक से कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम बुक से देखते हैं तो बुक में हमारे पास ये है जी, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, बुक में क्या लिखा हुआ है कि बुक में ये है कि ड्रग्स अफेक्टिंग द ऑटोनोमिक एएनएस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में, टू ग्रुप्स में, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी कोलिनर्जिक ड्रग्स आ जाती हैं और एडिनर्जिक ड्रग आ जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया एक्ट ऑन रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलीन, और ये भी मैंने आपको बताया कि एक्ट ऑन रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड बाय नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, कोलिनर्जिक एंड एडिनर्जिक ड्रग्स एक्ट बाय इधर स्टिमुलेटिंग या फिर ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स ऑफ एएनएस, ठीक हो गए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी जी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होती है, प्री गैंग्लियोनिक, जहां पे हमारे पास पैरा सिंपैथेटिक जो है ना वो मीन के जहां पे एसिटाइलकोलीन और प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मैंने आपको बताया था, ठीक हो गया, और रिलीज होंगी, ठीक है जी, इसमें हमारे पास आ जाता है, और इसमें क्या होता है कि उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ इसमें, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास होता है जी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर टर्मिनेटिंग इन द एड्रेनल मेडुला द ऑटोनोमिक गैंग्लिया बोथ पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक हो गया, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिंपैथेटिक डिवीजन यूज एसिटाइल कोलीन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये मैंने आपको बता दिया, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक डिवीजन
स्वेट ग्लैंड्स होंगी, ठीक हो गए, यूज़ करते हैं क्या, एसिटाइल कोलिन, ठीक हो गया। उसके बाद कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो इनर्वेट द मसल्स ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। उसके बाद बात आ जाती है जिसकी न्यूरोट्रांसमीटर एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास कोलिनर्जिक न्यूरॉन, इसमें सिक्स जो है ना वो स्टेप्स होते हैं, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, स्टोरेज होगी, रिलीज होगा, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन होगा टू द रिसेप्टर्स, डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द साइनेप्टिक लेफ्ट, ठीक होगा। ये जो स्पेस होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये स्टेप है वन, इसमें सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, इसमें कुछ नहीं मुश्किल बात नहीं, ये मैंने पहले आपको समझा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसमें स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन वेसल्स, ठीक होगा जी, वेसिकल्स हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या था, ये मैं आपको वेसिकल्स में, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, स्टोरेज ऑफ यहाँ पे होगा वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स में। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया जी, ये वेसिकल्स में, तो उसके बाद ये इतनी मुश्किल बात नहीं, वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एटीपीज होगी, मतलब कि ये क्या जी, द मैच्योर वेसिकल्स कंटेन नॉट ओनली एसिटाइलकोलिन बट आल्सो एडीनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक होगा, प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, को ट्रांसमिशन फ्रॉम ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स टू द रोल्स रेदर देन एक्सेप्शन, ठीक होगा जी। इसमें हमारे पास ये है सारा। उसके बाद रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन है, ये किस तरह रिलीज हो गया, एक्शन टेंशन होगा, तो इसने हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, फिर एज ए फंक्शन वो काम करेगी, ठीक हो गया जी। इसमें ये, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसमें स्टेप नंबर फोर में हमारे पास क्या होता है कि इसकी बाइंडिंग होती है रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज हुई, ठीक है, साइनेप्टिक स्पेस एंड बाइंड टू द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल्स। इसमें हमारे पास प्री साइनेप्टिक हो गए रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटाइलकोलिन, ठीक हो गया, टारगेट प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द एफेक्टर ऑर्गन्स divided into two classes, ठीक हो गया। यहाँ पे होती है मस्कुरिनिक एंड निकोटिनिक। अब मस्कुरिनिक क्या है हमारे पास, जो कि ब्रेन मस्कुरिन हमारे पास यहाँ पे यूज करते हैं ब्रेन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा इसमें के जो निकोटिनिक का, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ठीक हो गया जी। इसमें हमारे पास बाइंडिंग टू द रिसेप्टर लीड टू द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विद इन द सेल, ठीक है, सच एज इनहिबिशन ऑफ द नर्व्स इंपल्स इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स इन द अफेक्टेड सेल्स मीडिएटेड बाय सैक्रम सिंजमल। अब उसका डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन होगी, सिग्नल्स एट द पोस्ट जंक्शनल अफेक्टेड साइट इज रैपिडली टर्मिनेट बिकॉज एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे एंजाइम होगा, यहाँ पे होगी इसकी कोलीन और एसिटेट होगा इन द क्लेफ्ट, ठीक हो गया। इसमें इतनी कोई मुश्किल, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसमें रीसाइक्लिंग ऑफ द कोलिन, रीसाइक्लिंग अगर मैं देखते हैं कोलिन में भी रिकैप्चर्ड बाय द सोडियम कपल्ड हाई अफिनिटी, ठीक है, अपटेक सिस्टम डेट ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल बैक टू द न्यूरॉन्स, ठीक होगा, दे इज अवेलेबल टू द एसिटाइलेटेड इन टू एसिटाइलकोलिन, ठीक होगा ये सारा। अब अगर हम इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं वही डायग्राम जो मैंने उधर आपको बताई है। यहाँ पे क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन, ये हमारे पास क्या जी एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ठीक है, यहाँ एसिटाइलकोलिन है, ये इसने क्या इन्फ्लेक्स किया, सोडियम इन्फ्लेक्स हुआ, यहाँ से हमारे पास एंजाइम जो है ये इसका क्या साइटोप्लाज्म, इसका क्या होगा जी न्यूरॉन से जी ये पर्टिकुलर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम आया, इसने एसिटाइलकोलिन बनाई, सिंथेसिस ऑफ इसकी होगी एसिटाइलकोलिन की, और साथ ही एसिटाइलकोलिन इसने क्या किया कि स्टोरेज होगी किसमें, वेसिकल्स में, ठीक हो गया जी, ये प्रोटेक्टेड होता है डिग्रेडेशन इनटू वेसिकल, ठीक हो। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, यहां पे कैल्शियम जो होंगे इन्फ्लेक्स करेंगे साइनेप्टिक वेसिकल, यहां पे हमारे पास रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, प्री साइनेप्टिक, यहां पे इनकी क्या होगी कि हमारे पास बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स होंगे जो कि एसिटाइलकोलिन, ठीक हो गया जी, रिसेप्टर्स यहाँ पे मतलब के पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक हो। अब यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन होगी कोलीन और एसिटेट, जो कि डिग्रेडेशन एसिटाइलकोलिन, और इसमें साथ ही हमारे पास रिसाइक्लिंग प्रोसेस ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जी इसका कोलिनर्जिक एगोनिस्टिक। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, तो इंशाल्लाह मेरा आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।